गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सुबह के बज रहे 6 और हम सब जा रहे हैं वर्कआउट करने. बस सूरज का वेट है और गुची का भी है. गुची तुम्हारा भी वेट है? हम सब वर्कआउट करने जा रहे हैं, बस लखन को छोड़ के. लखन को हमने कॉल भी किया है, आंसर नहीं किया. लखन की तबीयत भी खराब थी, मगर रात में बड़े वादे किए थे कि मैं भी जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. वो वादे पूरे नहीं हो पाए. जिम की देखो कैसे डेकोर की गई है, कितना सुंदर लग रहा है जिम. हर जगह बैलून्स लग चुके हैं. और जो मेरा आज का लुक है वो है ऑल ब्लैक. मेरी ब्लैक बॉटल शूज छोड़ दो. चलो कम ऑन गाइस. छोड़ सकते हो तुम. मत करो. तो इसको चाटा मारो. और हम निकले हैं जिम से बाहर और हमने देखा कितना सुंदर नजारा. ब्यूटीफुल. यहाँ पे जितने भी गार्ड्स हैं वो सब फ्लैग लेके खड़े हैं. देखो कितना सुंदर लग रहा है. आई थिंक डांस भी होगा इधर. यार हम चारों ने कितना अच्छा वर्कआउट किया. लखन मैंने हम हाँ. है ना लखन भाई का तो अभी भी चल रहा है. हाँ लखन ने तो बोला कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम जाओ. उनका पार्टनर है आज कंबल और बेड. क्या वर्कआउट कर रहा है. 10 मिनट हो गए हमें ऐसे. और सूरज को देखो कैसे खड़ा है. सूरज दिखाना. एक क्लिक करेगा और बस स्टार्ट हो जाएगी वीडियो. बट नहीं हो रहा है ऐसा कुछ. आज तबीयत बहुत ठीक है, फीवर नहीं है और जुकाम भी नहीं है, सिर्फ गला खराब है और हल्की सी खांसी बची है. हाय फटीचर, अभी थोड़े दिन के लिए तो बहुत अमीर है, तेरे पास पैसे हैं रक्षाबंधन वाले. ऑस्कर, ओए फटीचर, ऑस्कर, ऑस्कर मेरा है. ऑस्कर मेरे पास आओ. तो उसके पास नहीं जाते. बाबू आ जा ले. शीरो आ गया. शीरो आ गया. अच्छा वाला आ गया मेरे पास. तो खांसते रहो. ए कैसे हो यार तुम. चाय बना दो मेरे लिए. ये नीचे से जो आपको आवाज आ रही है, भम्मू सुबह सुबह बेसमेंट में है. क्या हुआ भम्मर सिंह? ऐसे ही बस लगी हुई. मैं सोच रही हूँ आज साड़ी पहन लू थोड़ी देर के लिए. अभी क्या कह रहे थे आप मुझे? मैं गरीब बीमारी में क्यों भगा फिर रहा है, बैठ जाए चैन से. अरे सामने बोलो ना. पीठ पीछे क्या बोलती हो? पीठ पीछे क्या बोलती हो मेरे? आप कौन साड़ी पहने हो इसमें से? ये सब आप देख सकते हो, ये सब कलेक्शन मम्मी का है. और सिर्फ एक अलमीरा थी मम्मी की, लेकिन अब धीरे धीरे सब हो गई है. ये ऐसी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी ना थोड़े से काम के लिए, धीरे धीरे पूरे देश पे कब्जा कर लिया. ऐसे ही मेरा खेत क्या रखा है, इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है. देखो चीरो. चीरो अपनी मम्मा के पास रहता. क्या हो रहा है? और पाई गए हुए हैं बाहर, इसीलिए पाई आपको 2-3 दिन से नहीं दिख रहे हैं शायद व्लॉग्स में, क्योंकि अभी तक आई भी नहीं है घर पर. पाई का रात 12 बजे फ़ोन आया, वो थे कहीं पर और वहाँ उनको होटल्स नहीं मिल रहे थे. फिर 12 बजे मैंने देखा मेरे से बुक नहीं हुए, पूरा वो शहर सोल्ड आउट था. पेपर भी आ चुके हैं. बेटी आ जाओ. चिपचॉप चिपचॉप सुबह सुबह खाता है चिपचॉप. इसकी ट्रीट ये रही. मजे आ गए बाबू के. वाह भम्मू सिंह. एक मिनट रुकना. ये भाई भम्मू कुछ तो बात है यार, हर चीज में अप टू डेट. तुम्हें मम्मी आप लगती नहीं हो क्या, बूढ़ी हो गई हो. अरे बूढ़ी और जवान की क्या बात है, मतलब जितने फैशन में आप रहती हो देखना. ये फैशन की बात नहीं है, ये हमारे देश के लिए हमारे गर्व की बात है कि हम तिरंगे में हैं आज. अच्छा जी. हाँ अभी तो मेरा झंडा आ रहा और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम मैं तिरंगे में हूँ. देख कितने इतने खुश क्यों मैं बालकों की तरह हूँ. बिल्कुल यार सही में तिरंगा. अब हम वेट करते, मैं भी नहा लूं ठीक है जल्दी से. तुमसे पहले कर लिया मैं नहा के आ रहा हूं. पहनना भाई हमारे घर पे बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है. हमारी मम्मी ही सबसे बड़ा कंपटीशन है हमारा. उनका जो फैशन सेंस है नेक्स्ट लेवल है. मैं भी जल्दी से नहा लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बेकार लगूं. और आज के दिन इतना अच्छा दिन है यार. दौलत ना अता करना मौला, शोहरत ना अता करना मौला, जय भारत. बस इतना अता करना चाहे, जन्नत ना अता करना मौला, जय भारत. शम्माए हिंद की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो. क्या हुआ क्या हुआ? मैं कह रही तू भी कर अपने देश के लिए कुछ. दीदी से? हाँ. दीदी पता तू भी देश के लिए कुछ कर. पता है क्या कि तू शांत बैठी रहे, क्योंकि ये तेरा सबसे बड़ा योगदान ये है कि शांत बैठी रहे बस एक कोने में. अगर तू करने जाएगी तो कुछ खराब करेगी. ठीक है बेटा जाओ भाई जल्दी करके आओ. मैं भाई आप देखना अभी ट्राई कलर में घूम रही हूँ तो कुछ वीडियो बनाओ अच्छी सी. आज तो कुछ ज्यादा ही खुश हो भम्मू, क्या ही कहूँ मैं. बालकों की तरह खुश हो, बालकों की तरह. कौन सी मूवी लगी है यार? कोई भी. कोई भी कौन सी? अभी मूवी कुछ नहीं देख रहे हम. मैं भी जल्दी से नहाता हूँ, बहुत देर से कह रहा हूँ लेकिन नहा नहीं पा रहा. मैं किचन चला के छोड़ गया था, पानी गर्म हो ही गया होगा. और जैसे कि मेरे आए थे मैं गाने सुनते सुनते नहाता हूँ, इसीलिए पता भी नहीं चलता. कई बार कोई बाहर से अगर मुझे आवाज देता रहता है वो देता ही रहता है, क्योंकि मैं गाने सुनता हूँ मजे से और इधर नहाता हूँ. लगता है ये क्यों मुझे, सदियों से जानू तुझे. अरे गाना गा रहा हूँ. अच्छा। मम्मी यार आपने कल भी नजर उतारी और देखो आज कितना ठीक हो गया. ठीक हो गया ना? मुझे नजर लग रही थी यार. आप लोग क्या, मैं इतना हीरो लगता हूँ यार? मुझे नजर लग गई थी मैं. लेकिन देख लो दवाइयाँ काम नहीं करी, सब कुछ काम नहीं करी, मम्मी ने नजर उतारी एकदम ठीक हो गया. ओके मैं रेडी हो गई हूँ. सुधीर दिख रहा है मुझे. सुधीर का नाम याद होता है मेरे जुबान पर. सुधीर छाया हुआ है. खैर
सूरज ऋषि थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, वो उनको जल्दी उठने की आती थी, फिर से वो लोग सो गए, तो मैं जा रही हूँ लखन के घर में, हम लोग कुछ वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद आकर हम कुछ काम करेंगे। और बेवजह मैंने अपनी ये न्यू हील्स पहनी, क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे कहीं जाने का मौका नहीं मिला जो मैं ये पहनूँ, तो मैंने ये हील्स पहनी। और गुच्ची को देखो, अगर ये छमछम की आवाज़ सुनता है ना तो ये ऐसा हो जाता है कि क्या कहाँ से आ रहा है ये छमछम ऐसा कुछ। ओके, हम आ गए मॉम के पास, और मॉम ने बिल्कुल 15 अगस्त वाले कपड़े पहने। किसके? और सुन दीदी को आप पीछे देख ही सकते हो, कैसे कपड़े पहने मॉम ने? 15 अगस्त वाले। 15 अगस्त वाले? अरे ये वो ट्राई कलर वाले। तो ऑरेंज नहीं है ना इसमें? ऑरेंज हो रहा है मम्मी, का दुपट्टा आप पर दिखाओ। दुपट्टा नहीं है, ऑरेंज वाला नहीं है, तो इसके दो ही कलर। तीसरा मतलब अभी मिसिंग है, मिल जाएगा। और सुन दीदी को आप पीछे देख सकते हो, बीच में बिल्कुल। ये कौन पी रहा है इतनी सुबह? तेरा ये मठा? मठा क्यों? नहीं तो गला खराब हो जाएगा मेरी तरह, तेरा भी। दही खानी चाहिए। ठीक है भाई। अम्मू, अरे निकलो यार, आप फ्रिज में चली गई, जल्दी आओ, वीडियो बनानी है। अम्मू पूरे टाइम बाथरूम में रहती हूँ यार। भूखे भजन ना हो गोपाला, रख लो अपनी कंठी माला, वो वाली बात। इसका मतलब पेट भर खाई हूँ। अच्छा पेट, आ जाओ जल्दी आओ। सुंदरी हो, क्या चल रहा है? हमारा स्टिचिंग, एक दूसरे की हेल्प। यस भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब क्या कर रहे हो आप? मैं भाई, वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रही है, हम क्यों नहीं करते कभी? मैं अपन कहाँ, अपन को जरूरत नहीं पड़ती मदद की, अपन यार हमारे हम लड़कों की लाइफ वैसे बड़ी अच्छी है। नहीं क्या करते भाई तू? बंद कर दे इसको। क्या करते? क्यों? मैं नहीं बोल रहा कुछ भी। आ कुछ खाना खाते हैं यार, भूख लग रही है। इन सब का यहाँ पे लग चुका है लंच के लिए, पूरा माहौल सेट, मेरा खाना भी आ रहा है, इनका शूट भी यहाँ पे हो चुका है डन। और अभी कितना अच्छा लगेगा ना, ये सिल्वर बटन हो जाएंगे साइड में, अभी एक सिल्वर बटन और है जिसकी हमने बॉक्स ओपनिंग नहीं की, और ये हमारा गोल्डन प्ले बटन, कितना सुंदर लग रहा है ना, ये आ जाएगा बीच में। मैं आपको दिखाऊंगा जब हो जाएगा ना पूरा, उसके बाद एक बार दिखाऊंगा कैसा लगेगा। और मैं यहाँ पता है क्यों खड़ा हूँ, आप इमेजिन कर सकते हो, मैं मेरे खाने वाले का वेट है मेरे को, स्विगी वाले भैया इधर से आएंगे ना, उनको ऊपर से हाथ देकर रोक लूंगा, भैया इधर ही आना, इधर ही आना है। नहीं तू कितनी अच्छी है यार, तू क्या क्या बनवाया? दाल के लिए खाना लगा रही हूं। सर्व किया है क्या क्या सूरज? इसमें दाल एंड चावल भाई मेरे लिए। ब्रो ये आलू की सब्जी मेरी। हाय ब्रो। हेलो। तुम्हें क्या दाल खाने के लिए, मैं तुम्हारे लिए क्यों करूंगी? क्या बे, दूसरों का वेट नहीं किया खाना शुरू? सूरज बहुत बुरा है तू यार, बहुत बुरा है यार। थैंक यू भाई। वेट तो करता कम से कम। किसका वेट करूं? मेरा। अच्छा सुधीर भैया, क्या तोड़ा, क्या टूटा आज? गुड सुधीर, गुड। क्या चाहिए तेरे को? दही रायता, फरमाइश है, देखो इसकी। दाल चावल पकड़ा दी, ये नहीं कि पनीर वनीर की सब्जियां, मुझे ये आलू भी डाल रहे मेरे उसमें। खा ले भाई, आलू का अच्छा होता है। तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए है भाई, तुम अपना ये खाओ। तो शेयरिंग करोगे ना भाई? क्या कोई शेयरिंग नहीं, कुछ नहीं भाई। क्या होता है? एक रोल मैंने नहीं बोला था। नहीं बोला था तूने? नहीं बोला था। दाल सच्ची खुशबू आ रही है, मेरे को जान के बहुत खुशी हुई कि यशी और मैं एक सी रोटी खाते हैं। हाँ। और कैसी होती है वो? एकदम पापड़ जैसी। पापड़ जैसी, मुझे भी वही पसंद है। यहाँ पर दो जने जो ये हफ्सियों की तरह खाते हैं, दो जने जो फिट रहते हैं, पूरी डाइट का। चल चल जाए से, अपना लंच हो गया खत्म, मैं जा रहा हूँ चेंज करने। ठीक है गाइस, और वीडियोस बनाते हैं, बाय। शूट खत्म होता है, ये चली सोने गुची के साथ। मैं नई स्क्रिप्ट के साथ आ गई दोबारा, वो अभी सोई है। उनका ज्यादा रोल नहीं है, उनको बस एक ही रोल रखना भी नहीं, हमारा रोल है। आजा आजा बहन, आजा, मुझे स्क्रिप्ट समझा पूरी। आजा गाइस, ये दोनों एकदम इन्होंने ट्विनिंग कर ली है, और दोनों मेरा मजाक बना रही है। एक को सामने खड़े हो, दोनों साथ में खड़े हो, तू इनका साइड देता है भाई हमेशा, बहुत बेकार है। दोस्त के नाम पे धब्बा है। गाइस यशी के कितने सारे बाल टूटे हुए हैं। ये यशी, तेरे साथ भी दिक्कत है बाल की? अरे यार बाल मौसम ये से बाल टूटेंगे, रख दो एक साइड यार, वो इधर उधर हो जाएंगे। फिर इनसे बेटा जर टोना हो जाता है, इनको कभी खुले मत छोड़। नहीं छोड़ रही, वो मैंने ऐसे रख देती हूँ ताकि नीचे ना दिखे, नीचे दिखते तो मुझे गुस्सा आता है ना, मुझे भी बहुत गुस्सा आता। मुझे गुस्सा नहीं आता, अपने आप पे लगता है कि तुम टकले ना हो जाओ। सच में मैं तो हो ही रही हूँ। हम जा रहे हैं एक ट्रू स्टोरी पर वीडियो बनाने के लिए, जो होता है आई मीन जो फैक्ट चीजें होती हैं उन चीजों पर, तो वो आपको मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम रील्स पर। ये लोग अपनी रील्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इनकी नहीं ट्रू स्टोरीज बनाने जा रहे हैं ना, जो होती है लड़कियों के बीच की। यस, क्या बोलना चाहोगे? शाहिद कपूर क्या बोलना चाहोगे? हम वो होंगे असामाजिक तत्व। विराट कोहली क्या बोलोगे? आजा, ये विराट और शाहिद है ना। यशी क्यों लेती है जब तेरे को खाया नहीं जाता? तो क्या गलती से गिर गया चटोरी? आई स्वेयर बेटा तू खा ले, आजा ये रहा ये रहा ये रहा, आजा। इन सबका दोबारा यहाँ पे शूट चल रहा है, और दोनों ने आज ट्रेनिंग की हुई है, और ये दिखा रही है कि लड़कियां जब सेम ड्रेस पहनती तो कैसे चिढ़ती एक दूसरे से। ये खून पसीने की कमाई से पहनी हुई शर्ट जिसपे अभी भी खून के दाग लगे हुए हैं। गाइस हम शूट करते करते थक गए थे, मैंने मेरे भाई को भेजा, भाई मेरे लिए पानी की बॉटल लाया, भाई तू ये दे दे बस ठंडी। यार सूरज तेरे को पता ना मेरा गला खराब है, ये इतनी थी। ठीक है भाई, वैसे भी ठीक है, ठंडी नहीं है। पक्का? कितना साथ देती है सूरज का। ओडोमॉस क्यों लाया भाई तू? अरे वो सुधीर ने मुझे ऑल आउट पकड़ा दी, मैंने कहा भैया गाड़ी ये ऑल आउट कहाँ लगाएंगे, ये तो पूछता उससे। सबके सब कार्टून हो तुम, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ।
गुची। ये लोग सब चले गए पूल में, मुझे घर पर छोड़कर गए। अब मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं तो सोच रहा हूँ इनसे पहले यार डिनर कर लेता हूँ। दीपक क्या बन रहा है भाई? सांबर बना रहा हूँ। सांबर, और ये क्या है? अच्छा ये सांबर बन रहा है भाई। वो आलू टमाटर बने हुए होंगे ना? हाँ, वो लिया मैंने। तो कैसे दोस्त यार, मेरे को छोड़ के चले गए, अब आके लेक्चरबाजी करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसी बात बताएंगे, गलती मेरे ऊपर ही आ जाएगी देखना आप। अकेली? बाकी के लोग कहाँ हैं? मैं तो बिल्कुल ही गीली होती भी आई हूँ, बाकी के लोग आ रहे हैं बस। नहीं तो पूरा घर गीला हो जाएगा ऐसे तो। आ गए भाई साहब। यो ब्रो, धोखेबाज यही होगा। क्या धोखेबाज? जब हमको छोड़ के तुम सब चले गए ना। मैंने बोला था 10 बार आपके नाटक नोरे और खाओ। ठीक है भाई, ये क्या लेकर आया? गीले कपड़े? गीले कपड़े कौन सी उसमें लेकर आया? ए यशी, यशी क्या तू नहीं आई? तू नहीं आई? ठीक है भाई, मैंने खाया। खाओगे? नहीं 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 नहीं, यस सबके लिए लेके आई हूँ, थोड़ी थोड़ी सब टेस्ट करेंगे। नीतू एक मूवी थी मुझसे शादी करोगी, उसमें दुग्गल साहब डेली कुछ ना कुछ बनते थे, ऐसी तू है। आज क्या बनी है तू? ये गुड, खाने के बाद प्रेयर। आया मजा? जब धोखा दोगे ना दूसरों को तो यही चाय पीनी पड़ेगी ऐसे ही। अगर तेरे को जुकाम भी होगा, तेरे को बुखार भी होगा, तू देख। वो क्या फालतू की बातें बोल रही है? तू धोखा देना भूल जाएगा मेरे को। तो मेरे को उनकी भैया की बहुत अच्छी लगती है, इसलिए पीता हूं यहां पर शाम को। अच्छा और क्या? क्यों बे, मेरी रील देख रहा था, उसको पूरी देख, पूरी देख, पूरी देख। कितनी बार देख ली रील? देख और लाइक कर दे इसे। अबे नहीं, कर 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 दोबारा कर। क्या बीड़ू नहीं करना क्या डिनर? नहीं नहीं नहीं, अभी कोई नहीं खा रहा स्पाइसी नूडल। नहीं यार, कल खाएंगे। हुआ तो मैं नहीं खा सकती, आटा हुआ तो खा लूंगी। खा लेगी स्पाइसी नूडल? हां, तीन चार दिन पेट खराब रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। पक्का खाओ भाई। गाइस एक बात शेयर करूंगी आपके साथ, मुझे और लगन को साथ मिले हुए 2-3 साल हो गए, मुझे साल भी याद नहीं है, 3 साल ऑलमोस्ट। और लगन की आदत मैंने आज तक देखी थी, टीवी देखते हुए खाना खाना और रूम में बैठ के खाना खाना। आज फर्स्ट टाइम डाइनिंग टेबल पे खाना खाया है विदाउट क्या है, टीवी देखे और कुछ मतलब बात करते हुए। जैसे लगन को, लगन को पसंद नहीं बात करना, तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मतलब यार सच में लगन, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं और खा रहे हैं, जब से सूरज लगन का दोस्त बना है। लगन कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है मतलब? बिना कुछ देख के खाना खाना, गॉड ब्लेस। अच्छा हमारे नूडल्स बना रही है, हमारा खाना नहीं खाने दे रही, कह रही नूडल्स खिलाएंगे। और वो देखो कितने दूर बैठा है, क्यों बैठे इतने दूर? क्या है, क्या है? स्पाइसी नूडल्स सब खाएंगे तो लिए। अरे नहीं नहीं, खाओ ना। वेज है ना पक्का? वेज है, वेज है, वेज है। आटा है ना? मैं एक मतलब ये स्पाइसी नहीं खाऊं मैं यार, लगा एक एक स्पून ट्राई करना है। मैं भी ठीक हूं, सॉरी मुझे वीडियोस बना रहे हैं। कौन सा क्या दिक्कत है भाई? थोड़ी साइड में रख दीजिए यहाँ पर। अरे इतना क्यों रख रही है? एक स्पून रखो, देखो कितना रख रही है। ठीक है हाँ, इसका तो पेट भर आएगा नहीं, मेरा आ जाएगा ये खा के। हाँ कोई नहीं खा रहा यशी, वो तो खा जाएगी। तुम खाओगे बेटू? मैं अपना खाना खाऊंगा बाद में। ये पनीर ये आज का सैलेड पे उतरा हुआ है, प्योर वेज का है। हो गई पागल अब तू भी? आगे मजा पता नहीं क्या इसके, क्या इसके पता नहीं क्या जस्ती बार बार स्पाइसी नूडल्स और वो करने की। हां मेरी ने सजेस्ट किया, फिर मैं पछताती हूं। हाय आंटी जी, ओ बड़ी प्यारी लग रही है यार, दिखा दिखा कैसे दिखा। आंटी कैसे लग रही है? अरे मतलब वो आंटी का रोल कर रही है ना इस टाइम, तेरी मम्मी 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 मम्मी। हाँ सबकी मम्मी, मतलब आपकी मम्मी का रोल कर रही हूं मैं। जल्दी से बेटा बाहर जाओ, खाना खाओ। मम्मी जी आप बहुत अच्छी लग रही हो। मम्मी जी मम्मू को एक बार थोड़ी लैंग्वेज में बोल देना, जैसे वो बोलती है। समझ नहीं आता तुझे है ऐसे नहीं बोलती यशी। तेरे जाने से पहले व्लॉग मिल जाएगा उन्हें, याद रखियो। सॉरी दोस्तों, टाइम हो गया आपसे विदा लेने का, कल मिलते हैं ठीक इसी टाइम नए व्लॉग के साथ। व्लॉग को लाइक करना बिल्कुल भूलना। बाय बाय, टेक केयर।